जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर को देखता है वह कभी ना तो पाप कर सकता है और ना पाप से प्रभावित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तक का भय नहीं जान पड़ता, क्योंकि भगवान को अपने अंतर में देख लेने पर वह अमर जीवन हो जाता है। पुस्तक का नाम संस्मरण जो भुलाए ना जा सकेंगे। प्रस्तुत पुस्तक कई लघु कथाओं का एक अमूल्य संकलन है जो अत्यंत प्रेरणापद है और विशेष रूप से हमें प्रेरित, प्रभावित और प्रोत्साहित करने के लिए चुनी गई हैं। ये कहानियाँ हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहतर जीवन बनाने और जीने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। इन कहानियों के भीतर निहित ज्ञान और सबक के मोती प्रकाशकों, दूरदर्शी बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों और यहाँ तक कि सामान्य लोगों को भी आत्मनिरीक्षण करने को बाध्य करते हैं। कहानी की घटनाओं के पात्र प्रशंसित लेखक आर एल स्टीवेंसन, अमरीकी गणितज्ञ रिचर्ड थॉमसन, भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस, भारतीय समाज सुधारक और शिक्षक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ साथ विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री आदि राजनेता हैं, जो अपनी ईमानदारी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जैसे और भी अनेक महान व्यक्तित्व हैं। प्रस्तुत कहानियां हमें अज्ञानता, उदासीनता, अनुचित और विनाशकारी मानसिकता की गहरी नींद से जगाती है। कहानियों के कुछ उदाहरण। पहले अध्याय में कवि आर एल स्टीफेंसन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने खुद को और अपने दिमाग को नकारात्मकता से बोझिल पाकर प्रेम का मार्ग अपनाया और अपने जीवन को स्वर्गीय आभा में परिवर्तित किया। इसी तरह लेखक रिचर्ड थॉमसन के साथ एक बातचीत को याद करते हैं, जिसने उन्हें हमारे अपने देश की सुंदरता और इसकी समृद्ध संस्कृति और मूल्यों का एहसास कराया। यह हम सभी के लिए एक मूल्यवान सबक है जो हमारे भीतर और आसपास की सुंदरता को देखने में विफल रहते हैं और विदेशी देशों के पास जो कुछ है उससे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज इस पुस्तक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है रोचक कहानियों का एक संग्रह जो हर पाठक में शक्तिशाली भावनाओं को जगाकर देशभक्त, विनम्र, दयालु, सौम्य और नैतिक स्वभाव अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन कहानियों का उद्देश्य हम में से प्रत्येक के भीतर चरम भावनाओं को जगाना है और हमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, साहस के साथ आत्मज्ञान के मार्ग की ओर प्रेरित करना है। पुस्तक के कुछ अंश। रूखा सूखा बिना विटामिन, प्रोटीन और चर्बी के भोजन से स्वास्थ्य खराब नहीं होता, यह तो चिंतन मनन की गंदगी, ऊब और उत्तेजना ही है जो स्वास्थ्य को चौपट कर डालती है, शरीर को खा जाती है। परमात्मा की सृष्टि कितनी विशाल, कितनी शोभायुक्त और दर्शनीय है। उसका अवलोकन करने के लिए जिस बंधन मुक्त आत्मा की जरूरत है, उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम आसक्त हैं, भौतिकता की चमक से चकाचौंध हैं। विनयशीलता, नम्रता, सौम्यता व्यक्तित्व को उच्च स्थिति प्रदान करते हैं। लोगों का अंतःकरण जीतने का सबसे सरल मंत्र है कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार अत्यंत विनम्र हो। निर्भीकता, सहनशीलता, समदर्शिता सच्चे संत के आवश्यक गुण माने गए हैं। जो किसी भय अथवा दबाव में आकर अपने पद से विचलित हो उठे, अपने व्यक्तिगत अपमान अथवा कष्ट से उत्तेजित अथवा विक्षुब्ध हो उठे,
जो किसी लोभ लालच ऊंच नीच धनी निर्धन पद पदवी के कारण किसी के प्रति अंतर माने उसे सच्चा संत नहीं कहा जा सकता। आपत्ति काल में धैर्य इसलिए आवश्यक है कि उस घड़ी में सही बात सूझती है। कोई ना कोई प्रकाश का ऐसा द्वार मिल जाता है जो ना केवल संकट से पार कर देता है वरन कई सफलताओं के रहस्य भी खुल जाते हैं। भगवान के भक्त निर्धनता को वरदान समझते हैं। उनका विश्वास है कि अभाव का जीवन जीने वाले भक्तों की ईश्वर को याद सदैव आती रहती है। पुस्तक के कुछ बिंदु। प्रेमी हृदय का मार्ग। सहनशीलता में महानता सन्निहित है। धर्म एक और सनातन है। व्यवस्थित जीवन की कुंजी समय की पाबंदी। बुरी स्मृतियां भुला ही दी जाएं। अनावश्यक वस्तुओं का क्या करूं। सच्चे जीवन की झलक।